Hello guys. Hello guys. Hi guys. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूँ नरली लड़की। तो आज के ब्लॉग में हम लोग जाएंगे बेंगलोर से कानपुर, ठीक है? तो आगे के बारे में देखते हैं, बाय। हम लोग ने सुबह 12 बजे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और अभी 6 बजे फिर से स्टार्ट किया। अब 6:30 हो रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा रिकॉर्डिंग करने का। फिलहाल अभी हम लोग करनी है पैकिंग, क्योंकि फिलहाल पैकिंग करने के लिए इतना कुछ तो है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा ही सामान लाई थी कानपुर से। अब मैं वापस कानपुर जा रही हूँ बेंगलोर से, तो जो सामान है वही उठा के बैग में रख लेना है बस। तो चलो फिर पैकिंग कर लेते हैं, बहुत टफ है। अभी रात के बज गए हैं 11, सारा काम हो गया है, हमने खाना भी खा लिया, पूरी पैकिंग भी कर ली, पूरी सफाई कर ली है। अब सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, अब हम यहाँ से निकलेंगे 6 बजे। यहाँ से एयरपोर्ट जाने में लगता है 2 घंटा, देखते हैं क्या होता है। पूरे 1 महीने बाद घर जा रहे हैं, फ्लाइट में गए। चलो कर लेते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 तक निकलना है। चाय पीते हैं, तैयार होते हैं, फिर देखते क्या करना है। हम लोग हो चुके हैं तैयार, अब देखते हैं चलते हैं, क्या प्लान है, क्या प्लान है। ओला ऑटो बुक कर रहे हैं, कोई पिकनिक नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह पता नहीं क्यों जबकि रोड खाली रहती है और ना बारिश हो रही है बैंगलोर में भी। हम लोग ऑलरेडी लेट है, 6:15 हो रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। खैर हो जाएगा कुछ ना कुछ, चलो देखते हैं। बाय बाय घर। कैब वाले भैया तो दिख नहीं रहे यहाँ, और ये भैया आते हुए, भैया कैब वाले भैया तो दिख नहीं रहे हैं, कैब वाले भैया तो दिख नहीं रहे। और ये भैया बैग टैग निकालते हुए, शायद टिकट दिखा के हमें बैग टैग निकालना पड़ेगा। हम लोग सारी चेक इन करा के, अनबैग चेक करा के, जिसमें बहुत लोचा हो गया था मेरे साथ अभी। मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया क्या क्या रखना है, तो मैंने ना मतलब 3 बार में सारा सामान रखा। अब हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं,
पर वेट कर रहे हैं, आधे घंटे बाद बोर्डिंग होगी। वेटिंग। तो मुझे बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं करनी आती, मेरा फर्स्ट टाइम है, कोई जज मत करना, खासकर मेरे दोस्त लोग। और मुझे पता नहीं क्यों ये जितने भी एरोप्लेन्स हैं मुझे बस से कम नहीं लगते हैं, डिट्टो बस जैसे चलते हैं भाई, डिट्टो। बस इनके पास पर ही होते हैं, मतलब मेरे को अजीब लगता है जब ये ज़मीन में चलते हैं, लगता बस चल रही हो। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एवरी फ्लाइट कैन बी बस, बट एवरी बस कांट बी फ्लाइट। आप सो मच इंटेलिजेंट, सीखा मुझसे, कोई नहीं सीख जाओगे। घर जाने की खुशी कैसी है? चुके हैं फाइनली कानपुर, अपने घर, जहाँ का वेदर देखो। मैं ओपन हेयर आई थी बट अब मेरे पसीना और चिपचिप वाली गर्मी आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ कहने को है नहीं। और मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो शूट भी नहीं किया रास्ते में, क्योंकि हम लोग ने शमशेरा डाउनलोड कर ली थी, हम लोग ने पूरी वो देखी जो कि बहुत बेकार मूवी थी। तो यहीं तक का था व्लॉग, बस यही दिखाना था हमने बैंगलोर से कानपुर कैसे ट्रैवल किया। कुछ खास नहीं था, फिर भी पहला व्लॉग था, देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।